मात्र 17 बछर बयसे दीक्षा लाभ एवं मात्र 20 बछर बयसे साधनाय सिद्धि प्राप्त महायोगी स्वामी प्रणवानंदजी महाराज 1896 सालेर 29 जानुआरी बुधवार माघी पूर्णिमा तिथिते मादारीपुर जिलार सुजला सुफला शस्य श्यामला प्राकृतिक सौंदर्ये भरा बाजितपुर ग्रामे विष्णुचरण भुइयां और माता शारदा देवी घरे जन्मग्रहण करें। तार गुरु छिलेन महायोगी बाबा गम्भीरनाथजी। बाल्यावस्थाय तार नाम रखा हयेछिलो बिनोद। से समय प्राय सकल स्थानेई जमीदारदेर अत्याचार चरम सीमाय पौंछेछिलो। मिथ्या ऋणेर बोझा अयथा तहबिलेर नामे तोला आदाय कृषक श्रमिक एवं सर्वत्र साधारण मानुषेर ओपर अत्याचार चरम मात्राय बेड़े उठेछिलो। जमीदारदेर अत्याचार थेके प्रजादेर बाँचाते गिये पिता विष्णुचरण भुइयां मिथ्या मामलाय जड़िये पड़ेन। विपद थेके उद्धार पावार जोन्नो गृहदेवता नीलरुद्रे शरणापन्न हन तिनी। भक्तेर कातर प्रार्थनाय देवादिदेव महादेव प्रसन्न हये ताके बोलेन, भय नेई, आमी तोमार पुत्र रूपे जन्मग्रहण करब। आमार जन्मेर संगे संगेई तोमादेर विपदेर मेघ केटे जाबे। एक समय जन्म हलो पुत्र बिनोदेर। एई पुत्रेर जन्मेर परे दीर्घदिनेर पुरानो मामलाय जयी हलेन विष्णुचरण। ताई छेलेर नाम राखलेन जयनाथ। परे नाम देवा हलो बिनोद। ताछाड़ाओ तिनी बुधवार जन्मेछिलेन बोले तार नाम रखा हय बुध। सिद्धिलाभेर प्राय दीर्घ 8 बछर पर 1924 सालेर जानुआरी मासे प्रयागधामेर अर्धकुम्भेर समय स्वामी गोविंदानंद गिरि महाराजेर काछ थेके ब्रह्मचारी सन्यास दीक्षा ग्रहण करें। तखन तार नाम हय आचार्य स्वामी प्रणवानंद। उक्त बछरेई माघी पूर्णिमा तिथिते तिनी चिन्हित प्रथम 7 जन संघ सन्यासके सन्यास दीक्षाय दीक्षित करें। ब्रह्मचारी बिनोद देशेर स्वाधीनता आंदोलन के परोक्षभावे समर्थन करतेन। तिनी विप्लबी दल मादारीपुर समितिर सदस्य छिलेन। 1914 साले मादारीपुरेर चारपाशे डाकाती हवाते पुलिस फरिदपुर षड़यंत्र मामलाय बिनोद के ग्रेप्तार करे मादारीपुर और परे फरिदपुर जेले आटके राखे। भावघन मूर्ति श्रीमद स्वामी प्रणवानंद एक जुग पुरुष पतित पावन त्यागव्रती सन्यासी और आचार्य जिनी हिंदू जाति गठनेर जन्य जनसंगठनेर ओपर जोर दिएछिलेन। जिनी प्राचीन भारतीय संघ जीवने सादृश्ये बौद्ध विहार और बृहत्तर शिक्षा संघेर अनुकरणे संघबद्ध प्रयासे सृष्टि करेछिलेन। तारी परिणति भारत सेवाश्रम संघ, जार कर्मक्षेत्र मूलत भारतवर्ष, भारतीय जातिर पुनर्गठन ही जार उद्देश्य। 1917 सालेर माघी पूर्णिमाय बाजितपुरे सिद्धपीठे भारत सेवाश्रम संघेर प्रतिष्ठा हय कर्मयोगेर माध्यमे। 1919 ख्रिस्टाब्दे प्रचंड झड़ेर फले बहु लोक मारा गेले तिनी सेवार काजे एगिये आसेन। सेवा कार्य शेषे मादारीपुरेर विशिष्ट व्यक्तिदेर अनुरोधे मादारीपुर सेवाश्रम स्थापित हय। परे 1922 साले कलकातार एक भाड़ा बाड़ीते आश्रम स्थापित हय। एर किछु बछरेर मध्ये खुलना नौगांव आशाशुनी प्रभृति जायगाय सेवाश्रम स्थापित हय। 1922 ख्रिस्टाब्दे कलकातार बागबाजारे डिस्पेंसारि लेने घर भाड़ा करे कलकाताय प्रथम आश्रम स्थापन करा हय। ओई बछरेई भाद्र मासे 118 नम्बर शोभाबाजार स्ट्रीटे 18 टाका भाड़ाय 2টো कोठा घर भाड़ा निये सेखाने कलकाता आश्रम स्थानान्तरित करा हय। 1923 साले बाजितपुरेर सिद्धपीठे माघी पूर्णिमार पर दिन संघ सन्तानदेर एकटी आलोचना सभाय संगठनेर नामकरण हय भारत सेवाश्रम संघ। 1924 ख्रिस्टाब्दे जून मासे 27 नम्बर बहुबाजार स्ट्रीटे आश्रम उठे आसे। 1926 ख्रिस्टाब्दे 162 कर्नवाली स्ट्रीटे आश्रम स्थानान्तरित हय। 1927 ख्रिस्टाब्दे जुलाई मासे 24/3 मिर्जापुर स्ट्रीटे अर्थात बर्तमान सूर्यसेन स्ट्रीटे आश्रम उठे आसे। परे बालीगंजे डिही श्रीरामपुर लेने कयेक मास थाकार पर 1932 ख्रिस्टाब्दे मे मासे संघेर प्रधान कार्यालय 211 रासबिहारी एभिनिउ बालीगंजे निजस्व जमी और बाड़ीते स्थापित हय। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जानतेन तीर्थस्थानगुली भारतेर अखंडता सूत्र धरे आछे। 1930 साले तिनी बाजितपुरेई गड़े तोलेन श्री श्री प्रणव मठ। एकाधिक आंचलिक सेवाश्रमगुलिर माध्यमे स्वामी प्रणवानंद सेवार जे बीज बपन करेछिलेन ताई आज भारत सेवाश्रम संघ नामे पल्लवे कुसुमे विपुल आयतन हुए वनस्पतिते रूपान्तरित हयेछे। मूलत भारतवर्ष भारतीय जातिर पुनर्गठनई जार उद्देश्य। संघ सृष्टि विषये तिनी बोलेछिलेन, संगठनेर नामे भारत कथाटी थाका आवश्यक। भारत शब्देर द्वारा बोझाबे एई संघ भारतीय आदर्शेर ओपर प्रतिष्ठित हये भारतेर सुमहान धर्म संस्कृति आदर्श और भावधारा समग्र जगते प्रचार करबे। सनातन वैदिक आदर्शई हबे एई संघेर भित्ति। आश्रम एई शब्दटी दिए बोझा जाबे एई संघेरई मध्य निहित रयेछे प्राचीन भारतेर वैदिक भाव और शिक्षा संस्कृतिर आदर्श। सुतरां आश्रम शब्दटिओ बाद देवा चलबे ना। जाति समाज व्यक्ति सर्वविध सेवाई हबे संघेर प्रधान काज। ता होते पारे शारीरिक मानसिक नैतिक अथवा आध्यात्मिक। सेवाई हबे संघेर धर्म, सेवाई हबे संघेर कर्म। सुतरां सेवा कथाटिओ थाकबे। संघ शब्दे रयेछे संहति चेतना। ता बौद्ध जुगेर सन्यासी संघेर अनुरूप। एई संघ प्रतिष्ठा सम्पर्के तिनि आरो बोलेछेन, आमार संघ हबे द्वितीय बुद्धेर संघ। आमी समग्र देश और जातिके बुद्ध शंकर चैतन्येर मतो आदर्श और तपशक्तिते संजीवित करते चाय। स्वामी प्रणवानंदजी संघ शक्ति सृष्टि करते चेयेछिलेन, कारण एक छिन्न विच्छिन्न विशाल जाति के एक धर्मसूत्रे गेंथे नेबार प्रयोजन छिलो। अतएव संगठनेर नामे संघ शक्ति सूचक शब्द तिनि जोग करेछेन। स्वामी प्रणवानंदजीर सेवा परिधि छिलो बहुधा विस्तृत। सेवा बोलते तिनि केवलमात्र दुर्गत मानुषेर सहायता पुनर्बासन और निरापत्ता बोझाननि, समस्त मानुषके सठिक उन्नयनके तिनि सेवा विवेचना करतेन। भारत सेवाश्रम संघ ताई तीर्थ संस्कार, शिक्षा विस्तार, अस्पृश्यता दूरीकरण, आदिवासी बनबासी मानुषेर उन्नयन, दातव्य चिकित्सार पाशापाशी हिंदू संस्कृतिर उद्बोधन, हिंदू सुरक्षा एवं शुद्धिकरणेर द्वारा धर्मान्तरितके हिंदू धर्मे पुनर्बासनके सेवा प्रतिपूर्ण करे तुलेछिलेन। तिनि हिंदू धर्मेर मानुषके महामिलने सम्मिलित कराकेओ सेवा आख्या दियेछिलेन। ताई संघ सन्यासी स्वामी निर्मलानंद बोलेछेन, स्वामी प्रणवानंद तत्प्रतिष्ठित श्री श्री प्रणव मठेर धर्मीय लोकहितकर कर्मसाधनार माध्यमे तथा तदीय भागवत व्यक्तित्वेर उदार आलोके जे महामिलनेर वातावरण सृष्टि करियाछिलेन ताहा अनबद्ध ओ अतुलनीय। आज भारतेर कोणे कोणे नानान तीर्थस्थाने तार शाखा प्रशाखा भारतेर बाइरेओ बृद्धि हयेछे तार कर्मयोजना। भारत सेवाश्रम संघ ताई भारतेर गर्व, विश्वेर अस्मिता। स्वामी प्रणवानंद मने करतेन भारत ब्रह्मैव ब्रह्मविद अलौकिक तपशक्तिर अपूर्व महिमा घन मूर्त आदर्श। एई आदर्शके विश्वे छड़िए दिते हबे, ताते समग्र जगत शांति और सान्त्वना पाबे। भारत सेवाश्रम संघेर सूचना तारई फलश्रुतिते, ताई एटी एकटी जीवंत प्रतिष्ठान। स्वामी प्रणवानंद परिष्कार करे बर्तमान जुगेर आकांक्षित विषयगुली सूत्राकारे बोले गेछेन। चारटी सूत्र महाजागरण, महासमन्वय, महामिलन एवं महामुक्ति। हिंदू तार सुदीर्घ अचैतन्य अवस्था थेके जेगे उठे सकल बाधा छिन्न करे पारस्परिक समन्वयेर काज करबे आर तातेई हबे महामिलन। एरी बेदी मूले हिंदू एक महान जाति हिसाबे मुक्ति पाबे। हिंदू समाज समन्वयेर मध्य दिए हिंदू जाति गठन तार लक्ष्य छिलो। ताई मिलन मंदिर और रक्षीदल गठन एवं बहुविध जनहितकर सेवामूलक काज तिनि तार प्रतिष्ठित भारत सेवाश्रम संघेर माध्यमे करेछेन। जनकल्याणे तिनि जेसब काज करेछेन तार अन्यतम तीर्थ संस्कार। भण्ड धर्म व्यवसायीदेर द्वारा दखल हये जावा तीर्थस्थानगुली उद्धारेर जन्य तिनि आंदोलन चालियेछिलेन। तीर्थ संस्कार आदिर द्वारा भारतेर पवित्र तीर्थगुली जबरदखल मुक्त करार जन्य प्रयास करेछिलेन। सेखाने तीर्थगुलिते दारिद्र्य अवहेलित श्रेणीर प्रवेशेर जन्य द्वारोद्घाटन करेछिलेन तिनि। हरिजनदेर बलपूर्वक मंदिरे प्रवेश कराते चाइले तिनि तार बिरोध करे बोलेन जे मंदिर सामाजिक कोन्दलेर स्थान नय। जोर करे मंदिरे प्रवेश करालेई अवहेलित समाज राताराति बड़ हये जाय ना, तार जन्य सकलेर पथ उन्मुक्त करे हिंदू मिलन मंदिर प्रतिष्ठा करेन। तिनि हिंदूदेरके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चंडाल नमशूद्र इत्यादि कोनो नामे डाकेननि, तिनि हिंदूदेर हिंदू नामेई डेकेछिलेन। सुंदर समाज गठनेर जन्य तात्क्षणिक समाधानेर पथे ना गिये तिनि व्यक्ति चरित्र निर्माण करेछिलेन। तिनि व्यक्ति चरित्र निर्माण आदर्श परिवार गठन इत्यादि के सोपान हिसाबे व्यवहार करेछेन। जन्मजात शूद्रत्वेर तिनि बिरोध करेछिलेन। तिनि शूद्रदेर थेके खाबार चेये खेयेछिलेन, तादेर साथे एक पंक्तिते भोजन करेछिलेन एवं तारपर ओम स्वाहा मंत्रोच्चार पूर्वक वैदिक यज्ञ तिनि तादेर संगे निये करेछिलेन। तिनि बोलेछिलेन हिंदूदेर मध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चंडाल आदिर कोनो भेद नेই। अवशेषे 1941 सालेर 8 जानुआरी मात्र 45 बछर बयसे तिनि देहत्याग करेन। যেখানে রিপু ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনো রূপ আধিপত্য নেই সেখানে ধর্মের প্রভাব থাকতে পারে না। জীবনের উন্নতির মূল আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধে আত্মশক্তির বিকাশ প্রকাশ উন্মেষ উদ্বোধনের ভেতরেই মানুষের প্রকৃত মানুষত্ব বীরের বীরত্ব অনন্ত অসীম শক্তি সামর্থ্য বিক্রম পরাক্রম মানুষের ভেতরে আছে। একমাত্র অনুশীলনের দ্বারাই তার বিকাশ সম্ভব, যার চেষ্টা উদ্যম তার সমস্তই আছে। যে দিন রাত্রি পরিশ্রম করছে সে পারুক না পারুক চেষ্টা তো করছে, যার চেষ্টা আছে উদ্যোগ আছে তার ওপরেই সহানুভূতি হয়। সেই সদ্গুরু সাহায্য লাভ করতে পারে, গুরু শক্তিই তাকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি কোনো চেষ্টা করে না পরিশ্রম করে না তার উপর আবার সহানুভূতি কি? মানুষ যদি কুচিন্তা কুভাবনা না করে 5 মিনিটও ভগবানকে ডাকতে পারে তবে তাই ভালো, তাতেই তাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে উন্নতি হবে। আর কুচিন্তা কুভাবনা করে 15 ঘন্টা সাধন ভজন করলেও কিছু হবে না, শুধু ভগবানের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। যে চিন্তা ভাবনা তোমার মনকে নীচ ও দুর্বল দিকে নিয়ে যায় তা অবিলম্বে পরিহার করো। সর্বাগ্রে চায় মানুষ গঠন, মানুষের মতো মানুষ তৈরি না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। একটি খাঁটি মানুষ তৈরি হলে সমস্ত জাতি তার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এক নতুন অভ্যুত্থান একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করতে পারে, যা তোমাকে তোমার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবে। তাই প্রকৃত কর্ম ও সাধনা। প্রতি মুহূর্তে ভেতরের ভাবের দিকে তীব্র দৃষ্টি রেখে চলবে যাতে বিপথে পা না পড়ে। মনের খুব দৃঢ়তা চায়, যখন পড়বে তখন পড়বেই, আবার যখন ধ্যান করবে তখন ধ্যানই করবে, যখন যা করবার তাই করবে, কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না, আর যা না করবার তা কিছুতেই করবে না। সমস্ত পৃথিবীর লোকে এসে অনুরোধ করলেও না। এইরূপ দৃঢ়তা থাকলে জীবনে কোনো উন্নতি হয় না। জীবনের লক্ষ্য কি? মহামুক্তি, আত্মোপলব্ধি। প্রকৃত মানুষ যে, সে আদর্শের জন্য স্বীয় মহৎ সংকল্প সাধনার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়, কিন্তু জীবন ধারণের জন্য আদর্শ ও আদর্শ সাধনার মহৎ সংকল্পকে বিসর্জন দেয় না। সর্বদা খুব কঠোর নিয়ম পালন করে চলবে, তাহলে এই কঠোরতাই তোমাদের জীবনকে সর্বদা বাইরের পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করবে। অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে না, বললে তাতে মনের শক্তি কমে যায়। যার সঙ্গে মিশলে সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তি নষ্ট হয় তার সঙ্গে মিশবে না। অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপোষ রফা করো না। যারা এ জগতে অসাধারণ কিছু করতে চায় তাদেরই নিন্দা সমালোচনা সহ্য করতে হয়, তোমরা তা গ্রাহ্য করবে না। আর যারা তোমার নিন্দা সমালোচনা করছে ঠিক ঠিকভাবে চলতে পারলে দুদিন বাদে তারাই আবার তোমার প্রশংসা করবে। কখনো কোনো প্রলোভনের মধ্যে পড়লে জীবনের ব্যাধি যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করে আত্মরক্ষা করবে। প্রতি মুহূর্তের যদি সদ্য ব্যবহার করতে পারো তবে দেখবে কত অল্প সময়ের মধ্যে কত উন্নতি হয়েছে। যাদের জীবনে কোনো উচ্চ লক্ষ্য নেই উন্নত কর্মধারা নেই তারা কি মানুষ? ভ্রান্ত জীবের মতো দিবারাত্রি আত্মবিস্তৃত অবস্থায় না কাটিয়ে নিজের দিকে তাকাতে হয়। প্রতি নিমেষে প্রতি পলকে জীবন যৌবনের পরিণতির বিষয় স্মরণ রেখে আত্মস্মৃতি আত্ম অনুভূতিকে জাগরুক রাখতে হয়। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করো না। সতত মনে রাখিবে এই দেহ কামকাঞ্চন ভোগ করিবার জন্য নহে, এই দেহ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির লীলাক্ষেত্র। তাই সতত ভাবিবে আমার নাই রিপুর উত্তেজনা ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন, নাই মায়া মোহ পাপ তাপ ভ্রম ভ্রান্তি। আমি পবিত্রতা ও ত্যাগের জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতিমূর্তি স্বরূপ। লক্ষ্য কি? মহামুক্তি, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি। ধর্ম কি? ত্যাগ সংযম সত্য ব্রহ্মচর্য। মহামৃত্যু কি? আত্মবিস্মৃতি। প্রকৃত জীবন কি? আত্মবোধ আত্মস্মৃতি আত্মানুভূতি। মহাপুণ্য কি? বীরত্ব পুরুষত্ব মনুষ্যত্ব মুমুক্ষত্ব অর্থাৎ মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা। মহাপাপ কি? दुर्बलता, भीरुता, कापुरुषता, संकीर्णता, स्वार्थपरता। महाशक्ति की धैर्य, शौर्य, सहिष्णुता। महासम्बल की आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्ममर्यादा। महाशत्रु की आलस्य, निद्रा, तंद्रा, जड़ता, रिपु और इंद्रियगण। परम मित्र की उद्यम, उत्साह, अध्यवसाय। एटाई हलो संघवाणी रूपे 10टी ऐसी सन्देश। एगुलिकेई तिनी जगतेर कल्याणेर जन्य प्रचार करते बोलेछेन, जाके बला हय जुग मंत्र, जाके अभिहित करा हय हिंदू जागरण मंत्र हिसाबे, जा देशबासीर नित्य पाठ करा जरूरी। आपनी यदि एखोनो आमादेर चैनलटिके सबस्क्राइब करेननि ताहले अवश्यई सबस्क्राइब करे देबेन एबं पाशे राखा बेल आइकनटिते प्रेस करे देबेन, जाते करे सबार प्रथमेई आमादेर भिडियो नोटिफिकेशन आपनी पेये जाबेन। लाइक करुन, शेयर करुन एबं कमेंट करे आपनादेर मतामत जानान। धन्यवाद।